YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 12 शेयर जिससे आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हैं और ये पोर्टफोलियो काफी बेहतरीन होगा। सारे के सारे फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स हैं और इन स्टॉक्स का आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। निश्चित रूप से हर गिरावट में आप बाय कर सकते हैं इन स्टॉक्स को, आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहेगा और अच्छा खासा रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। साथ ही साथ आप इन स्टॉक्स के अलावा निफ्टी 50 के जो भी अच्छे शेयर्स हैं उसको भी आप बाय कर सकते हैं अगर आपको इसमें से कोई शेयर पसंद नहीं आता है तो। सबसे पहला जो शेयर है जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं वो एशियन पेंट। काफी बेहतरीन ये कंपनी है। यहाँ पर हम टेक्निकल चार्ट की बात इस वीडियो में बिल्कुल नहीं करेंगे। टेक्निकल चार्ट की बात हम डेली करते हैं, किस लेवल पर आपको बाय करना है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट आप रखना है। यहाँ पर देखिए सिर्फ फंडामेंटल्स की बात करेंगे, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक वेल एस्टेब्लिश ब्लू चिप कंपनी है और कंपनी जो है ऑपरेट करता है 15 कंट्रीज में अपना बिजनेस को और 26 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और कुल देखिए यहाँ पर तो ऑपरेशन हुआ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का 15 कंट्रीज में, 60 कंट्रीज में कंपनी का यहाँ पर जो है सर्विस है, मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। तो इतनी बड़ी ये कंपनी है और इतना वेल एस्टेब्लिश कंपनी है। डेट की बात करें और इक्विटी के रेशियो का, तो देखिए डेट जो है काफ़ी कम है, इक्विटी कंपनी 0.11 है। प्रमोटर स्टेक भी अच्छा खासा है लेकिन प्रमोटर स्टेक 11% प्लीज है, इस पे आपको ध्यान रखना है, ज्यादा शेयर प्लीज ना हो। अब देखिए बॉटम लाइन और टॉप लाइन ग्रोथ की बात करते हैं, तो देखिए टॉप लाइन ग्रोथ सेल्स जो है 2010 में 6,400 करोड़ का था जो कि बढ़कर 21,000 करोड़ का। नेट प्रॉफिट की बात करें 800 करोड़ का था जो कि बढ़कर के हो गया 3,100 करोड़ का, तो काफी बेहतरीन है कंपनी। अब बात करें बैलेंस शीट का, तो यहाँ पर रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ है, शेयर कैपिटल मात्र 96 करोड़ का है, जबकि डेट बात करें तो डेट भी कंपनी के ऊपर लगातार इंक्रीज हुआ है लेकिन डेट काफी कम है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस से लगातार जनरेट किया है, साथ ही साथ नेट कैश फ्लो भी कंपनी का बीच बीच में कभी कभी निगेटिव रहा है लेकिन ओवरऑल देखिए हमेशा पॉजिटिव रहा है कंपनी का। इन्वेस्टर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर स्टेक देखिए कॉन्स्टेंट है, लगभग FIG का स्टेक यहाँ पर लगातार इंक्रीज हो रहा है जो कि पॉजिटिव साइन है। डेज का स्टेक लगभग यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, 9% के आसपास था, अभी 7.57 है। पब्लिक का स्टेक लगभग कांस्टेंट है, तो मतलब यहाँ पर FIG प्रमोटर्स दोनों का स्टेक लगभग कांस्टेंट है, FIG तो साथ साथ थोड़ा स्टेक बढ़ाया भी है, तो ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन शेयर है, आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। इसी तरह के हम लगातार आगे भी 11 शेयर्स आपको इस वीडियो में बताएंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है। पिडिलाइट इंडस्ट्री, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ये भी काफ़ी बेहतरीन से रहे, 1,23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए डेट टू इक्विटी मात्र 0.13 है, प्रमोटर्स होल्डिंग 69%, कोई भी शेयर प्लीज नहीं है, तो ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। ये फेविकॉल और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसे बनाने के लिए जानी जाती है ये कंपनी, तो काफ़ी बेहतरीन ये भी कंपनी है। और यहाँ पर इस कंपनी का भी टॉप ग्रोथ देखिए काफ़ी ज़बरदस्त है और बॉटम लाइन ग्रोथ भी यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़बरदस्त है, 273 करोड़ से बढ़कर के 1100 करोड़ हो चुका है। नेट प्रॉफिट सेल्स 2100 करोड़ से बढ़कर के 7200 करोड़ हो चुका है, तो काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है इस कंपनी में भी। उसके बाद अगला है रिलायंस इंडस्ट्री, ये स्टॉक तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, ये कंपनी लगातार जो है अच्छा कर रही है, तो ऐसे स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, साथ साथ ये आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी मतलब स्टेबल रखेगा और इसको जब गिरावट में मिले तब बाय करना है। देखिए 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, प्रमोटर्स होल्डिंग 50.7% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.36% है, कुछ खास यहां पर डेट है नहीं कंपनी के पास, तो काफ़ी बेहतरीन है ये भी कंपनी। इसका टॉप लाइन ग्रोथ देखिएगा तो देखिए 2 लाख करोड़ का यहाँ पर सेल्स था जो कि बढ़कर के हो गया देखिए 4,66,000 करोड़ का। नेट प्रॉफिट 24,000 करोड़ का था जो कि बढ़कर हो गया 49,000 करोड़। ये कंपनी भी मतलब अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है लेकिन इसका ग्रोथ थोड़ा सा आपको स्लो होगा क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी है। इस बार अगला है बजाज फाइनेंस, ये कंपनी तो पिछले 10 साल में अपने इन्वेस्टर को काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, इसको अभी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी का हम डेट इक्विटी नहीं देखेंगे, इस कंपनी का काम ही है मतलब डिपॉजिट लेना और लोन देना, तो बीच का जो मार्जिन होती है उसे अर्न करती है, तो ये भी कंपनी काफ़ी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। फिर अगला है रिलैक्सो फुटवेयर, फुटवेयर सेक्टर की बेहतरीन कंपनी और कई सारे इसके ब्रांड है, रिलैक्सो हो गया, स्पार्क हो गया, फ्लाइट हो गया, बहमास हो गया, देखिए ये सारे ब्रांड है जो इंडियन मार्केट में लीड करती है, 26,000 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है,
तो काफी पोटेंशियल है इस कंपनी में आगे ग्रो करने का। डेट इक्विटी देखिए काफी कम है, मात्र 0.09, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो ऐसे कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। अगला जो स्टॉक्स है ये हेल्थ केयर सेक्टर से है, डॉक्टर लाल पैथलेम। ये भी काफी बेहतरीन कंपनी है, कई बार मैंने बताया कि गिरावट में आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब देखिए स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है तो इसको गिरने दीजिए, फिर जहां पर एस्टेब्लिश होगा मतलब स्टॉक का प्राइस वहां पर आप इसको बाय करना शुरू कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। देखिए अगले पिछले दिन 4% डाउन था, 55% प्रमोटर्स का स्टेक है, कोई शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी मात्र 0.03, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, निग्लिजिबल डेट है, मात्र 41 करोड़ का डेट और 20,000 करोड़ का मार्केट कैप। इतनी वेल एस्टेब्लिश कंपनी, मात्र 20,000 करोड़ का डेट है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। फिर एक कंपनी जो कि ऑलमोस्ट डेट फ्री है, रेवेन्यू सुपरमार्ट, 258,000 करोड़ का मार्केट कैप। और देखिए यहाँ प्रमोटर्स का होल्डिंग 75, कोई भी शेयर प्लेज नहीं। डेट इक्विटी मात्र 0.04, मात्र 510 करोड़ का डेट। ये भी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, रिटेल सेक्टर की काफी बेहतरीन कंपनी। वही डॉक्टर लाल पैथलेम ये हेल्थ केयर सेक्टर का जो डायग्नोस्टिक सेक्टर है उसकी काफी बेहतरीन कंपनी। उसके बाद अगला है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, आप इस कंपनी को बाय करते हैं, 18 करोड़ का मार्केट कैप है। ये भी कंपनी काफी बेहतरीन है, लेकिन ये पूरी तरह से पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसमें कोई भी प्रमोटर का स्टेक नहीं है और कंपनी के ऊपर डेट कुछ भी नहीं है। मात्र देखिए 0.01 का डेट इक्विटी है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मात्र 10 करोड़ का डेट है। उसके बाद जुबिलेंट फूड, ये भी काफी बेहतरीन कंपनी है, 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और यहाँ पर बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का, मात्र 41.9% का यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग है और प्लीज परसेंटेज 1.6% मात्र है। डेट इक्विटी 1 का है, इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए डेट पर हम बैलेंस शीट पर चलते हैं, तो कंपनी का जो डेट है यही पिछले 2020 से इंक्रीज हुआ है, मतलब लॉकडाउन से कंपनी का बिजनेस प्रभावित हुआ तो वहाँ से डेट इंक्रीज हुआ है, नहीं तो ये भी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री थी। तो कंपनी के ऊपर डेट है तो थोड़ा सा डेट पे ध्यान रखना है कि ज़्यादा डेट इंक्रीज ना हो, तो अगर डेट ज़्यादा इंक्रीज होगा तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। प्रमोटर स्टेक मात्र 42% है, जो कि लगभग कांस्टेंट है पिछले 2 साल से। फिर अगला जो कंपनी है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं वो है HDFC लाइफ। आने वाले समय में निश्चित रूप से इंश्योरेंस का काफ़ी डिमांड होगा हमारे कंट्री में, तो निश्चित रूप से ये स्टॉक्स का डिमांड भी बढ़ेगा। ये कंपनी भी काफ़ी बेहतरीन है, आने वाले समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए हर गिरावट में ऐड कीजिए। 1,22,000 करोड़ का मार्केट कैप है और इस कंपनी का जो डेट इक्विटी देखिए काफ़ी कम है, 0.04, मात्र 600 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। तो काफ़ी बेहतरीन इंश्योरेंस सेक्टर की ये कंपनी है, आप चाहें तो SBI लाइफ या आप दूसरे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर टाइटन काफ़ी ज़बरदस्त, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और यहाँ पर लाइफ स्टाइल की ज़बरदस्त ब्रांड है। देखिए वॉच हो गया, जैसे टाइटन का वॉच हो गया आपको, और भी कई सारी वॉच है इसके, जो कि काफ़ी फास्ट ट्रैक हो गया वो भी काफ़ी फेमस ब्रांड है इसका, ज्वेलरी के ब्रांड है, आईवेयर के ब्रांड है, तो काफ़ी सारे ब्रांड है इसके जो कि काफ़ी फेमस है मार्केट में। 2,11,000 करोड़ का मार्केट कैप, प्रमोटर्स होल्डिंग 52.9%, कोई शेयर प्लेज नहीं। डेट इक्विटी मात्र 0.75 का है, तो काफ़ी कम डेट है कंपनी के ऊपर, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी और एक ब्लू चिप कंपनी है, तो आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं हर गिरावट में। उसके बाद जो अगला स्टॉक है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं वो है बर्जर पेंट। ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, पेंट सेक्टर की दूसरी बड़ी कंपनी है, या आप चाहें तो एशियन पेंट बर्जर पेंट में किसी एक को भी रख सकते हैं या दोनों को रख सकते हैं। 69,000 करोड़ का मार्केट कैप है, प्रमोटर्स होल्डिंग 75%, डेट इक्विटी देखिए काफ़ी कम, 0.32%, कोई भी शेयर प्लीज नहीं है। ये भी कंपनी काफी बेहतरीन है, आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये कुछ स्टॉक्स थे जिसका पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, काफी मतलब सिक्योर पोर्टफोलियो आपका होगा। किसी भी गिरावट में आपको गिरावट में ही बनाना चाहिए खास करके पोर्टफोलियो, या थोड़े थोड़े SIP मोड में भी आप इन स्टॉक्स को बाय करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये सारे बेहतरीन स्टॉक्स थे जिसमें कई सारे ब्लू चिप कंपनियां थी, कई सारे मिड साइज कंपनियां थी, मतलब हर तरह की कंपनी को मैंने आपको बताया, हर कई सारे सेक्टर्स की कंपनियां था। इसके अलावा आप HDFC बैंक, कोटक बैंक, इन सारे स्टॉक्स को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड जगह दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।